नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। आज हम बात करेंगे सायरा क्षेत्र की। यहाँ पे एक पेंथर ने एक अधेड़ व्यक्ति पर हमला कर दिया। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के कमोल गांव की भील बस्ती में शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे घर में घुसे पेंथर ने देवाराम घमेती पर हमला कर दिया। हमले में देवाराम के दोनों हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गए। उसके चिल्लाने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पेंथर पर हमला कर उसे मार दिया। पर सवाल ये है कि आखिर पेंथर के हमले से देवाराम कैसे बचे। सुनिए देवाराम की जुबानी, उसके संघर्ष की कहानी। मंदिर मारे जागरण जागरण मा मोहिणी रो मारे बैठे सेवा कराई सेवा कराई पहले मु मारे पेशाब करवा कियो दादा पेशाब करता करता मारे मैंने पाड़ा रे तुझो पाड़ा तुझो एक तो नहीं कियो बिया अच्छा बिया तो एक तो नहीं कियो जब मैं तो आने को तो नहीं कियो नाटो तो कोई नहीं बोलता बीत को पैर रुपए तो मैं पो खातो अच्छा दो था सीतरा हाँ दो मैं कौन पकी जा बनना अच्छा मैं कौन पके राजन पहले मेरे बच्चे आयो अच्छा मैं खा रही मैं खा रही मैं खा यो तो कतरा लोग आया था लोग गणा अच्छा हाँ आके गामरा लोग आया जो जाड़ की थी जो तो सुना आपने, देवाराम ने पैंथर के दोनों कानों को कसकर पकड़ लिया था ताकि पैंथर उसके गले को न दबोच सके। वाकई में बड़ा संघर्ष रहा। हालांकि उसके हाथ बुरी तरीके से जख्मी हो गए। पैंथर उसके हाथ का अंगूठा और उंगली काट कर खा गया। अब देवाराम गमेती असहनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं। देवाराम ने बताया कि दो पैंथर थे, एक पैंथर भाग गया। अब जो पैंथर बाकी बचा है उससे खतरा बढ़ गया है। वन विभाग को यहाँ भी पिंजरा लगाना चाहिए। देवाराम खराड़ी गमेती को इस पैंथर ने बहुत भारी जख्मी कर रखा था और इसकी आवाज से पास में से दो चार लोग आए, बीच बचाव भी किया, जिसको इसके मुंह में से इसके हाथ को निकला और पैंथर वहीं मर गया। बीच बचाव में प्रशासन अपना काम कर ही रहा है, ऐसी बात नहीं है प्रशासन काम नहीं कर रहा है, और सारे नेतागण भी सारे जने लगे हुए हैं। मैं प्रशासन से और कहना चाहता हूँ कि और पिंजरे लगाएं और कैसे भी करके खुखार आदमखोर इन पैंथरों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था करें ताकि मानव हानि ना हो। और आप लोगों ने समय पे प्रशासन आ भी गया, थानेदार जी भी आ गए, हमारे रेंजर साहब ने भी फुल कोऑपरेट किया, रात को 3 बजे वो भी आ गए, मौका पर्चा बनाया, पैंथर को यहाँ से लेकर गए, वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम भी हुआ। और इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ बस कैसे भी करके ऐसे खुखार आदमखोरों को पकड़ कर कहीं दूर भेज दिया जाए अपनी व्यवस्था से। अच्छा सरपंच साहब, पहले इस घटना से पहले आपने कभी मांग रखी कि मतलब यहाँ पैंथर आ रहे? हाँ, मांग तो है ही है। हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत घने जंगल हैं तो पैंथर तो है ही है। और मैं इस गरीब व्यक्ति से यही कहना चाहता हूँ कि इसको सरकार की तरफ से जो भी इसका मुआवजा बनता है इसको दिलाया जाए। ये तो ठीक है कि इसकी किस्मत है कि ग्रामीण लोग मौके पे पहुंच गए, बाकी ये नवा शिकार ये हो जाता। अच्छा अच्छा, तो ये अपने लिए भी बड़ी खेद है और अब प्रशासन इस पर ध्यान देवे। और हमने 2-3 बार पहले भी बोला है, शिकायतें भी दी है, भाई हमारे यहाँ पैंथर क्षेत्र बहुत ज़्यादा है तो आप पिंजरे लगाओ। लगाए भी थे इन्होंने पर उस टाइम पैंथर आया नहीं था अंदर। अब आ रहे हैं, सुनील जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा दीदी जी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके जो भी व्यवस्था होगी हम अवेलेबल करो। मेरे को 3 बजे फोन आया हॉस्पिटल जाना है जी, पैंथर वो अटैक कर दिया इनसे। अच्छा, मैं आया जैसे वो पैंथर लोग थे ग्रामीण के 100-150 लोग इकट्ठे हुए थे जी जी, यहाँ से पकड़ा हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ से एम्बुलेंस में उदयपुर लेकर गया एम्बुलेंस। आए दिन यहाँ पे पैंथर हमला कर रहा है, रहते दो पैंथर थे, एक तो भाग गया। अच्छा, कमोल नगरी में ज्यादा है पैंथर। अच्छा, 3-4 तो दिखे अभी। अच्छा अच्छा, 10-12 दिन में नवरात्रि में 3-4 पैंथर नजर आए, क्योंकि लोग रात को इधर इधर चलते तो हर को नजर आते ही। अच्छा अच्छा ठीक। उधर ढोल गाँव के लोगों की चेतावनी का असर हुआ है। शुक्रवार देर शाम को वन विभाग ने ढोल गाँव के पास पिंजरा लगवाया। पिंजरा लगाने से ग्रामीणों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है। पिंजरे में गांव के उदयलाल गायरी के पालतू कुत्ते को रखा गया है। पैंथर अगर इसका शिकार करने के लिए आया तो पिंजरे में कैद हो जाएगा। आपको बता दें कि पिंजरे में 2 भाग होते हैं। जिस भाग में बकरी या कुत्ते को रखा जाता है उस भाग में पैंथर नहीं पहुंच पाता है। आपको बता दें कि गांव के सरपंच मोहनलाल गमेती, ग्रामीण कालू सिंह, भैरूलाल व लक्ष्मण सिंह सहित
दर्जनों लोगों ने यहां पिंजरा लगाने की मांग की थी। हालांकि इसी तरह बौखाड़ा, पदराड़ा, नांदेशमा सहित कई गांवों में पिंजरे लगाने की जरूरत है।